रास्ते में मुझे मार्केट नज़र आ गई है, एक नाश मार्केट इसको बोलते हैं, बड़ी फेमस मार्केट है। अगर आप वियना की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में इसको फाइंड करेंगे तो NACH मार्केट। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। ये लंबी सी मार्केट है, वो आगे की तरफ जा रही है, और अभी मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ इधर किस तरह की दुकानें हैं। और ये राइट साइड पे वो सामने देखें कैसी ज़बरदस्त, पता नहीं क्या बना हुआ है, आई हैव नो आइडिया। चले मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक सेकंड मैं किसी से पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये जी नॉर्थ से है, मेरा फेवरेट है सी फूड की, इनके पास बहुत ज़बरदस्त होती है वैरायटी, लेकिन बहुत महंगा होता है। ये सारी इनके पास वैरायटी है। एक मिनट ठहरे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इधर से इनकी ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेश फिश है, ये टूना का स्टेक पड़ा हुआ है, और ये सैंडविचेस हैं। ये जी नाश मार्केट है। इधर काफ़ी अरबिक शॉप्स भी हैं, कैफेज़ भी हैं, बार्स भी हैं, काफ़ी तरह की, ये जो है ना, मतलब अगर कोई टूरिस्ट आता है इधर तो ये उनका एक स्पॉट होता है जी के विज़िट करना ही करना है। तो इसकी दो साइड्स हैं, एक वो साइड है, हम लोग इधर से जाते हैं तो वो दूसरी साइड से फिर वापस ही मैं उसको दिखाता हूँ दूसरी साइड पे क्या है। ये टी शॉप है, इधर सिर्फ चाय बिक रही है। ये सुवेनियर्स की शॉप है। मैं आपको चीज़ें तो ज़्यादा दिखा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली इधर ये है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी भी वो जो सी फूड वाली जगह थी उसको मैंने परमिशन पूछा तो उसने कहा कि नहीं बना सकते, हालांकि नॉर्मली इतना इशू होता नहीं है। ये ब्रेड की शॉप है, चीज़ की और हॉट डॉग्स, इस तरह की जो चीज़ें, इटालियन टाइप की शॉप है। ये पास्ता की टाइप्स पड़ी हुई हैं, पास्ता का आटा पड़ा हुआ है। ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप है और बकलावा। इधर से मुझे याद है एक दफ़ा मैंने बकलावा लिया था, बहुत अच्छा बकलावा था इनका। अच्छा, टर्किश और अरेबिक बकलावा में ये डिफरेंस होता है कि टर्किश जो हैं वो ऊपर सिरप बहुत ज़्यादा डालते हैं और वो शुगर सिरप बनाते हैं, और जो अरेबिक बकलावा है उसके ऊपर वो बटर डालते हैं, और सिरप जो होता है वो थोड़ा कार्डेमोन और इस तरह का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालते। ये सारा एग्जॉटिक फ्रूट पड़ा हुआ है जी, पपाया और इस तरह की है जो एग्जॉटिक चीज़ें वो बेच रहे हैं। ये फ्रूट्स है सारा। ये देखें, ये हनी मेलोन है, 4.5 यूरो का किलो है। और जो तरबूज है वासर मेलोन, वो 2 यूरो का किलो लगा हुआ है। लेट्स सी आगे क्या क्या है। मैं काफ़ी देर के बाद इधर आया हूँ क्योंकि वियना के अंदर ना पार्किंग का बहुत इशू होता है, गाड़ी करना, खड़ी करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हमारे पास स्कूटर्स थे तो वो बहुत इजी है हमारे लिए। ये कोई स्पेशल किस्म की ब्रेड है, ये देखें। ये ऑलिव्स है, ये दुकान है ऑलिव्स की।
ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, ये मेरी फेवरेट डेट है, इसको कहते हैं जी मजदूर, ये मेरी फेवरेट है। ये पीछे फ्रेश गोश्त की दुकान है, ये देखें, एंड मुझे लगता है ये हलाल ही होगी। बाकी इस तरफ ये बकलावा की दुकान है और साथ ये स्पाइसेस बेच रहे हैं। ये स्पाइसेस हैं, सारे डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस हैं, ये चीज़, ये ऑलिव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑलिव्स। ये देखें ये फ्लावर्स हैं, ये ज़्यादातर लोग चाय में डाल के इसको, मेरा ख्याल है चाय पीते हैं इसकी। ये देखें लहसुन है और ये बाकी सारी चीज़ें टर्किश स्वीट्स है। ये आ गई मेरी फिर से फेवरेट डेट, इसका नाम है मजदूल है, ये अरबी बोल रहे हैं, और इनके पास ये सारी ड्राई फ्रूट की कलेक्शन है। इनके पास स्वीट्स हैं, मुझे ये मिस्री लग रहे हैं, इजिप्शियन। ये कोर्स शॉप है सुवेनियर्स की, और मुझे लग रहा है कि ये सरदार जी की दुकान है। ये खड़े हैं, ये जो बाज़ार है बहुत लंबा है, अभी और आगे बहुत सी दुकानें हैं, एंड देन अगर मैं दूसरी साइड से वापस आऊँगा तो सेम इसी तरह की डिफरेंट दुकानें उस तरफ मिलेंगी। ये चाइनीज़ स्टोर लग रहा है, चाइनीज़ चीज़ें, लेकिन इनके पास इंडियन चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये पक्के पकाए खाने बाहर धूप में पड़े हुए हैं, हालाँकि इनकी इजाज़त नहीं होती इस तरह धूप में रखने की। खैर, ढाई यूरो का उन्होंने एक लगाया हुआ, और इसमें मटर पनीर, आलू छोले, बैंगन भरता, आलू मटर, दम आलू, वेजिटेरियन चीज़ें हैं मेरा ख्याल है सारी। ये केक्स पड़े हैं, वाह, ये खाने वाले तो नहीं है लेकिन ये डेकोरेशन के लिए रखे हुए। अभी हम लोगों ने फिर से रोड क्रॉस करना है। ये सामने बिल्डिंग चेक करें, कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ज़बरदस्त। और ये सामने फिर एक और स्ट्रीट है, देखें वो वॉकिंग जोन है, और उसके अंदर लेफ्ट और राइट पे लोग बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग वेट करते हैं अपना सिग्नल खुलने का, मेरा ख्याल इधर सिग्नल नहीं है, चलते हैं। फिर से उसी तरह की दुकानें हैं तकरीबन सिमिलर, चीज़, बेकरी, सॉसेजेस, इस तरह की। ये चॉकलेट्स की कोई दुकान है, आइसक्रीम और चॉकलेट्स, ये वाली शोको कंपनी डॉट 80। ये तो मार्केट का टूर तो बड़ा लंबा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब अलहदा वीडियो में डाल के तो आपको दिखा दूँ। ये इधर का ब्रांड है जी मैनर, इनके ये इस तरह की चॉकलेट्स होती हैं और डिफरेंट किस्म की जो है ना वेफर्स और इस तरह की ज़्यादा चॉकलेट की वैरायटी है। ये सामने वाली जो है चॉकलेट्स, ये इनकी ट्रेडिशनल टाइप की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनके अंदर वो अल्कोहल और रम वगैरह मिली होती है। ये कोर्स सी फूड की फ्लाइश एंड फिश की दुकान आ गई है, फ्रेश। ये सारी है, इसको क्या कहते हैं, स्मोक्ड, ये स्मोक्ड फिश है सारी। ये बेबी चिकन है सारे,
नमस्ते ये फिर एक चाय की दुकान है। ये सारी दुकान जो है ये उधर से लेके ये सारी चाय की वैरायटी है इनके पास। ये देखे ये टी पॉट्स रखे हुए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के, अंदर कप्स पड़े हुए सामने और वो सामने चाय की वैरायटी है। इधर फिर वही स्वीट्स वगैरह आ गई हैं, आगे स्वीनियर्स हैं। चले मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, अगर कोई स्पेशल चीज़ नज़र आती है तो फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा अभी बाहर निकल आए क्योंकि वो सारी दुकानें एक तरह की थी, तो अभी हम लोग स्टीफन प्लाट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुझे कुछ नज़र आया है, कोई मुजस्मा सा बना हुआ है 1854 का, पता नहीं मार्क एंटोन ग्रुप है, 1899 वोन आर्थर स्ट्रासर, 1854-1927 पता नहीं ये कौन साहब है। खैर उन्होंने आगे शेर बांधे हुए हैं, एक बब्बर शेर है, एक लॉइन है और इस तरह कुछ हिस्ट्री होगी इसकी भी, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हिस्ट्री है इसकी। देख रहे हैं सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं वो स्टीफन प्लाट्स की बिल्डिंग है, और लेफ्ट साइड पे ओपेरा हाउस है जिसको लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ अभी आगे चल के। वो सामने जिसका ग्रीन कलर का रूफ है ये है जी ओपेरा हाउस। ये सामने बिल्डिंग है ओपेरा हाउस की। वो सामने जी ओपेरा हाउस है और ये इस तरफ सामने स्टीफन प्लाट्स है। बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, मुझे इसकी हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन वियना। वियना बहुत बड़ा है जी, अगर आप इसको कितने दिन अगर एक्सप्लोर करते रहेंगे तो वो काफ़ी नहीं होंगे। तो है अभी ये मैं वॉकिंग जोन की तरफ एंटर होने लगा हूँ तो इधर मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। ये सामने स्टीफन प्लाट्स है और ये ओपेरा है। फाइनली स्टीफन प्लाट्स। इधर बहुत ज़्यादा रश होगा तो मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है मेरा, तो मैं पैदल ही चलूँगा। इस रोड के ऊपर जी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं पुरानी,
और बहुत ज़बरदस्त मेंटेन की गई हैं। ये देखें नीचे ये स्टोर बने हुए हैं, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनिंगटन, और गैस का स्टोर है वो सामने, रोलेक्स का स्टोर है। ये मेरा ख्याल है वियना का वन ऑफ द बिगेस्ट रोलेक्स स्टोर है। अगर आप कभी कोई घड़ी लें तो इधर से ले सकते हैं रोलेक्स की, अगर आप ने सर्विस वगैरह करानी हो तो इधर से करवा सकते हैं रोलेक्स की। ये सामने से और भी ब्रांचें होंगी लेकिन उनका मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये ज्वेलरी की स्टोर है, इस तरह अंदर अंदर की साइड पे काफ़ी स्ट्रीट्स हैं स्टीफन प्लाट्स के ऊपर। अभी और थोड़ी देर में इधर शॉप्स बंद होना शुरू हो जाएंगी लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको जितना दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा।